यानी कि 340 किलोमीटर समथिंग समथिंग आपने जो ट्रेवल किया है, तो इतना दूर आना लग रहा है कि हाँ जो वर्थ है, बिल्कुल लग रहा है। जो आपने सीट कवर लगवाया, आपने बनवा के लगवाया फिर बने हुए थे यहाँ पे बना के लगाए, आपने अपने हिसाब से कस्टमाइज कराया उसकी भैया? टोटल कॉस्टिंग कितनी आई है वो? जो गाड़ी लेकर के आए थे, अब जो लेकर के जा रहे, लग रहा है कि बड़ी गाड़ी चेंज हो गई है। मन से है ना, ऐसा तो नहीं नंबर दिखाने के लिए। भाई तो है ना, ये तो पिछले 3 महीने से देख रहा था कि मैंने काम उनसे कराना है। क्या बात है, जो मर्जी लूं, सोनेट लूं, सिग्मा लूं, जो मर्जी लूं, ठीक है, उन्हीं से कराना है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक ऑनर जो है महीने भर से वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं की वीडियो देखी होगी, आपने बहुत सारी वीडियोस और भी देखी होगी। क्या बात, हेलो गाइस, गुड इवनिंग, मैं बालकृष्ण, आप देख रहे हैं मिश्रा व्लॉग्स, और आज फिर से भाई हम लोग हैं ऑटो यूनिक करोल बाग। सामने तुम्हारे किशन भाई मुस्कुराते हुए, कैसे हो किशन भाई? आज क्या लेके आया अपनी ऑडियंस के लिए? फिर से जैसा मैं शुरू से बताता रहा हूँ, ठीक है, फरवरी 23 फरवरी को अपनी न्यू बलिनो आई थी, और जब से लेके अभी तक अगर बात करें दिन में, हाँ, तो सेकंड मंथ प्लस आज है लगभग 9 मंथ, 7 महीने का डिफरेंस आया है। ठीक है, 7 महीने में लगभग मैं अगर टोटल जोड़ूं ऊपर वाला, बड़े बोलना बोलवा, फिर भी 400 से 500 गाड़ियों में काम किया है अपनी न्यू बलिनो में। ठीक है, चाहे बेस मॉडल की बात करें, चाहे टॉप मॉडल में एयर बैग वाले सीट पर की बात करें, वही आज अपना बेस मॉडल सी अपना न्यू बलिनो है। ठीक है, और इसमें जितना भी एक बेसिक मॉडिफिकेशन था वो सारा काम हुआ है। उसके ऊपर जितना एक टॉप मॉडल बनाने के लिए, जैसे कि डेल्टा और जेटा में भी जो जो चीजें नहीं आती वो चीजें भी इसमें लगी है, जैसे ऑटो फोल्ड ओवर गेम, ठीक है, मिरर ऑटो एडजस्ट आता है, अंदर से स्विच से आता है और फोल्ड नहीं आता चाबी से, वहाँ तक इसमें हुआ है। ठीक है, प्लस एक वेंटिलेटरिंग जो शीट होती है, पूरा एक कंपनी के हिसाब से, पूरा गाड़ी के हिसाब से, पूरा सीट कवर, आपको पता है ऑटो इंडिया कंपनी प्रोफेशनलिटी है सीट कवर में जो इसमें कंप्लीट लगाया है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में लगा है। म्यूज सिस्टम थोड़ा सा नॉर्मल लगा है इसमें, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लोग थोड़ा सा फैमिली गाड़ी रखना चाहते हैं, जो लोग थोड़ा सा अपना बेसिक काम कराना का चाहते हैं मिड बजट में, ठीक है, अपना बेस मॉडल आपने खरीदे और अगर आपका बजट है 70,000-80,000 कह रहा हूँ, तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम करे, ठीक है, वीडियो से बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, पता लगेगा, बिल्कुल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिएगा जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ सके, पता लग सके। और इससे भी बड़ी बात, जितनी चीजें लगी है वो जेन्युइन चीजें, कहाँ कहाँ लगी है वो सब चीज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, मिश्रा भाई बताएंगे। ठीक है, A to Z सारा काम। लोकेशन भाई ने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहने की प्राइसिंग भी डिस्क्लोज कर दी है, अराउंड जो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया था, बाकी जो है एक्यूरेट कितनी प्राइसिंग आई ऑनर से खुद मिलकर के जानेंगे, ऑनर खुद आपको बताएंगे कितनी प्राइसिंग जो है इस गाड़ी के अंदर आई है। तो एक एक चीज बताते हैं, फ्रंट से मॉडिफिकेशन क्या क्या हुई है, फिर चलेंगे अंदर और एंड में जो ऑनर से रिव्यू भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बात कर लेते हैं पहले तो एक्सटीरियर से कि क्या क्या मॉडिफिकेशन की गई है। अब जैसा कि आप यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल देख पाओगे, ठीक है, और गाड़ी ना बड़ी सुंदर सी लग रही है, व्हाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना गाड़ी में बहुत सुंदर निकल करके आता है। अब सबसे पहले यहाँ पे मॉडिफिकेशन पार्ट में जो चीज कवर होती है वो इसका फ्रंट ग्रिल। अब बहुत सारे भाई बोलते हैं मुझे कि भैया मैट कलर की भी ग्रिल तो अच्छे लगते हैं, बट भाई देखो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में चीज बोली हुई है कि बहुत भाइयों को मैट पसंद आता है, बहुत भाइयों को जो है क्रोम का एलिमेंट जो होते हैं वो पसंद आते हैं, तो यहाँ पे क्रोम लगाने से ना जो लुक्स है गाड़ी की वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इनहांस हो जाती है। अगर आप लोगों को भी इस चीज़ें इंस्टॉल करानी, तो मैं पर्सनली आपको बोलूंगा कि गेम चेंजर है बलिनो के अंदर, क्योंकि अगर आप ग्लैंजा ले तो ग्लैंजा के अंदर तो ऑलरेडी क्रोम के एलिमेंट आते हैं बेस मॉडल में, बट यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता, मैट फिनिश होती, तो यहाँ पे इसको चेंज करके अल्फा वाली जो ग्रिल है वो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाती है, जिसके अंदर 360 डिग्री कैमरे का भी सेटअप आपको देखने मिल जाता है, वो वाला पार्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया। बाकी आप लोग फाइनली कमेंट सेक्शन में बताना ये चीज आपको कैसी लगी, और ओवरऑल जो आपका एक फाइनल जो आउटपुट रहेगा वीडियो देखने के बाद वो भी आप कमेंट में बता देना कि सारा पार्ट आपको कैसा लगा है। हेडलाइट यूनिट की बात कर ले तो हेडलाइट के अंदर अपन लोगों ने नाइट आई की LED इंस्टॉल किए हुए, 3 ईयर वारंटी, कभी खराब हो जाती है अंडर अगर वारंटी पीरियड में है तो आपको आना है चेंज करा के दूसरा ले जाना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सेम एज इट इज यहाँ पे फॉग लाइट भी इंस्टॉल की गई नीचे की तरफ, मिंडा की फॉग लाइट है, उसके अंदर नाइट आई की LED ही इंस्टॉल की गई, इसमें भी 3 ईयर की वारंटी आपको मिल जाती है। और ये जो अपना फ्लैप है ना जिसमें क्रोम के एलिमेंट आपको देखने मिलते हैं, ये अपना MGB का ओरिजिनल है, बेसिकली बेस मॉडल में आप यहाँ पे देखो क्रोम के एलिमेंट नहीं आते, ये मैट होता है, और ये जो पूरा पार्ट है कहीं ना कहीं एक फिक्स पार्ट में आता है, आप चाहते हो उसमें भी लगा सकते हो, उसमें PC लैप पे कटिंग होकर के लगता है, और अगर आप फ्लैप चेंज कराते हो उसके अंदर कटिंग फ्रॉम दी कंपनी साइड बना हुआ आता है, जो स्पेस है जो हाउसिंग वो बनी हुई आती है, तो इसका सेटअप कुछ इस टाइप से है। बाकी फ्रंट में जो है स्प्लिटर्स वगैरह लगते हैं वो भी आप लगवा सकते हो, स्किड प्लेट या फिर डिफ्यूजर जिसे आप कहते हो वो चीजें भी लगवा सकते हो, एक जो हॉर्न का सेटअप है वो भी आप इसके अंदर अपग्रेड कर सकते हो, जो कि भैया ने यहाँ पे नहीं करा है। ठीक है, बाकी ये कुछ अपनी जो है डिसेंट प्रोफाइल है फ्रंट से, जितनी मॉडिफिकेशन थी मैंने आपको बताई। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल में, और साइड से बात करते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन की गई है। हमारा अनुज भाई जो अंदर की तरफ बैठा हुआ है, विराजमान हो रखे, तो क्या
दिखा रहे हो भाई? भाई चाबी अनलॉक लॉक अपनी की पे भी जैसे आपको अल्फा मॉडल, ठीक है, अल्फा के अंदर जैसे कि हम लोग अपनी चाबी से गाड़ी को लॉक करते हैं उस सेक्शन में अपने जो ORVM यानी कि साइड मिरर है क्लोज हो जाते हैं, अनलॉक किया अनफोल्ड हो जाएगा। ये सेटअप यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, तो एक बार करके दिखा दो यार। मैंने गाड़ी अनलॉक किया, करो खुल जाएगा। क्या बात है भाई, लॉक करने पे ये अपने आप ये काफी अच्छी चीज होती है भाई, मतलब गाड़ी चाबी लगा सकते हो और अंदर ड्राइव कर रहे हो ना, तो अगर बटन है ये बटन से भी फोल्ड और अनफोल्ड हो जाएगा। जैसे अभी आपका ये अनफोल्ड हो गया है, बटन दबाएंगे तो अपने आप फोल्ड हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये अपने एनजीपी का सेटअप होता है ओरिजिनल वाला, है ना? आपको इसकी रिलीवरी ओरिजिनल मिलती है, ठीक है, जो आडी कंपनी की आती है, वो आडी कंपनी के पास फ्रेश एंड न्यू पीस होते हैं, मार्केट में जैसे लगाते हैं शायद ओल्ड पीस या पुरानी वाली गली, आपको ना वो पुराना मिलता है। हाँ। पुराने में मैं बता देता हूँ कैसा होता है, मिरर आपका ही होगा उसके अंदर इंडिकेटर लग जाता है, आप हाँ। मिरर रख लेते हैं, ठीक है, और आपको पुरानी वाली बलिनों के मोटर लगवा देते हैं। All right. यार किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर हमारी भी गाड़ी तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, नई गाड़ी में कोई पुरानी चीज, यानी कि उसको मॉडिफाई कर देते हैं बेसिकली ना। अपने पास आपके पुराने वाले जो मिरर आपको दे दिए जाते हैं इसके अंदर फ्रेश एंड न्यू पीस लगता है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली डब्बे भी इसके होते हैं, आप जब आओगे ना तो आपको डब्बे भी यहाँ पे दिखेंगे कि कौन से डब्बे से निकल रहे हैं, किसमें आपकी गाड़ी में कैसे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ कि रबर बीडिंग्स वगैरह सारी चीजें देख लिया करो, तो इसके अंदर प्रॉपर यहाँ पे चीजें इंस्टॉल कर दी गई है। उसके बाद कुछ एलिमेंट से बात कर ले क्या क्या चीजें इसमें और कवर की गई है। तो सबसे पहले सेटअप आता है अपने यहाँ पे व्हील कवर का, तो हेड डॉग के व्हील कैप है, डायमंड कट में आप इसका जो है एक पार्ट देख पाओगे, टाइबल्स यहाँ पे इसको हुक कर दिया गया है, ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन है हमेशा की तरह इसके अंदर जो इंस्टॉल होता है, बहुत सारे भाइयों की यही प्रेफरेंस होती है, तो यहाँ पे एक ग्लॉसी ब्लैक और एक सिल्वर का टोन आपको देखने मिलता है। साथ ही साथ यहाँ की बात करूँ तो मड फ्लैप का सेटअप है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। एक पार्ट आप यहाँ पे और देख पाओगे, साइड बेडिंग का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल रखा है, ग्लॉसी ब्लैक और एक क्रोम का जो एलिमेंट है ना वो यहाँ पे देखने मिल जाता है, जो कि इसके लुक्स को बहुत ज्यादा इन्हांस कर देता है। लेकिन मैं पर्सनली इन सब चीजों के लिए आपको रिकमेंड नहीं करता, ज्यादातर रिकमेंड नहीं करता, रीजन बीइंग ये होता है ना कुछ टाइम के बाद कहीं ना कहीं जो इसकी टेप है उसकी थिकनेस खत्म होगी तो निकलने लगती है, तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को ये चीज कितनी अच्छी लगती है, अगर आपको अच्छी लगती है आप लगवा सकते हैं, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसके बिना भी गाड़ी बहुत सुंदर लगती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो एक हैंडल क्रोम आता है, ये आप बेशक लगवा सकते हो। रीजन ये है कि बेस मॉडल में आपको ना कहीं ना कहीं मैट कलर के डोर हैंडल्स देने मिलते हैं, ये ऑड लगता है दिखने में, तो यहाँ पे इस पे जो है क्रोम के एलिमेंट प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया गया, जैसे लुक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इनहांस हो गई है। एक आईपॉप यहाँ पे लगा दिया गया है जिसे आप लोग डोर गार्ड भी कहते हो, और एक पार्ट और यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है जो है अपने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोअर विंडो गार्निश का, जिसमें कहीं ना कहीं आपको एल शेप का जो एक सेटअप है वो देखने मिलता है, यहाँ से प्रॉपर इस टाइप में आती है भाई, क्या लगती है लुक्स में तो भाई कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत सुंदर है। साइड मिरर का तो जितना भी सेटअप था मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है। एक चीज आप यहाँ पे और देख पाओगे जो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, वो अलग पार्ट क्या है, नॉर्मली आप यहाँ पे देखते हो पिलर जो है ना अपने ए पिलर जो होता है कहीं ना कहीं आपको बॉडी कलर देखने मिलता है इस गाड़ी के अंदर, बलिनो के अंदर बेस मॉडल में, यहाँ पे इसको मैट कलर में जो है वो रैप कर दिया गया है, अपने डोर पे भी जो सेटअप आता है पिलर का वो भी, और यहाँ पे अपना जो देख पाओगे ये भी पिलर कहीं ना कहीं अपने मैट कलर में रैप कर दिया है, जिससे लुक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इनहांस हो गई, कहीं ना कहीं छोटा सा ही लेकिन ड्यूअल टोन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया, क्योंकि अपने ये जितने भी एलिमेंट्स है ना ये आपको ब्लैक कलर में देखने मिलते हैं, तो उसी का एक पार्ट यहाँ पे भी कंटिन्यू किया गया है, इसको मैट ब्लैक कर दिया गया है, जिसका लुक फील अपने आप में बहुत अमेजिंग आ रहा है। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में ये चीज आपको कितनी सही लगी है, ठीक है। इसके अंदर डैम्पिंग भी आप करा सकते हो, बट भैया ने यहाँ पे डैम्पिंग का सेटअप जो है वो इंस्टॉल नहीं कराया है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें जो कि इसके अंदर इंस्टॉल की गई। रियर से बात कर ले तो यहाँ पे अपना जो जेटा क्रोम है वो इंस्टॉल कर दिया गया है, ठीक है। इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है वो अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे दो होल होते हैं आपके डिग्गी में, एक लेफ्ट और बेसिकली एक राइट में होगा, और उसके साथ नट बोल्ट के थ्रू इसकी फिटमेंट की जाती है, जिससे कभी भी आप रोड पर चलोगे ना तो अनइवन सरफेस पे आपका जो है वो निकलेगा नहीं। जनरली आप देखते हो टेपिंग वाला लगाते हैं, बट वो कुछ टाइम के बाद आपको उखड़ जाएगा, रोड पे चलोगे तो बाहर से ना लोग बोलेंगे भैया आपका जो स्पॉइलर है वो निकला हुआ है, तो ऐसा सेटअप रहता है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कराने का रीजन ये है कि लुक्स बहुत ज्यादा जो है इनहांस हो जाता है, और क्वालिटी भी आपको NGP का ओरिजिनल पार्ट है, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखो तो कैमरे की इंस्टॉलेशन आप करा सकते हैं, स्पेस दिया होता है बट यहाँ पे विजिबिलिटी एज कम्पेयर टू हेयर अगर मैं बात करूँ तो कम हो जाती है, तो यहाँ पे भी यानी नीचे तरफ गट्टू कैमरा जो है या फिर नंबर प्लेट कैमरा है वो इंस्टॉल कराया। साथ ही आप यहाँ पे बात करो तो रिफ्लेक्टर का सेटअप अपना इंस्टॉल हो चुका है, जिसके अंदर आपको मैट्रिक्स का पार्ट देने मिलता है, जब भी आपने अपना इंडिकेटर दिया ना उस समय फ्लोट करता हुआ नजर आता है लेफ्ट राइट में, और हजार्ड ऑन करोगे उस समय दोनों ही फ्लैश होते हैं, तो काफी अच्छा पार्ट है। साथ ही साथ अपना जब आप ब्रेक प्रेस करोगे उस समय भी ब्लिंक होता है, तो काफी अच्छा सेटअप इस चीज का भी है। एक बार मैं कर लेता हूँ बूट को ओपन, यहाँ से इसमें किया अनलॉक, ठीक है जी, बूट ओपन कर लेते हैं।
यहाँ पे बात कर ले तो इतने पार्शल ट्रे का सेटअप आता है, तो पार्शल ट्रे अपना एमजीपी का ओरिजिनल सॉल्व किया गया, जिसके अंदर आपको यहाँ पे रबर बीडिंग वगैरह देखने को मिलती है। अब ये रबर बीडिंग क्यों होती है, जब भी आपने बूट बंद करोगे ना यहाँ से, तो ये जो रबर बीडिंग होती है आपके बूट में कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि वाइब्रेशन का जो एक पार्ट होता है, अभी जो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती है ना, वो कहीं ना कहीं इससे खत्म हो जाती है। तो ये चीज है, जब भी आप अपनी गाड़ी में लगाओ तो इन सब चीज का बेशक ध्यान रखो कि चीजें जो है वो ओरिजिनल है या नहीं, आफ्टर मार्केट तो नहीं लग रहा, कॉपी तो नहीं लग रहा। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हो तो एमजीपी का ओरिजिनल जैसा मैंने आपको दिखाया ना, ओआरवी में यानी कि साइड में यहाँ पे चेंज किया गया, तो उसके बॉक्स रखे हुए हैं इसके अंदर, भैया के जो पहले वाले साइड मिरर थे ना वो रखे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, अब ये कुछ मॉडिफिकेशन थी एक्सटीरियर से, अब चलते हैं अंदर, यानी कि इंटीरियर से बात कर लेते हैं क्या क्या काम हुआ है, देन मिलेंगे ऑनर से और जानेंगे सारा काम, भैया को कैसा लगा है, एंड फाइनली जो कॉस्टिंग आई वो कितनी आई है। एचआर की गाड़ी आप यहाँ पे देख ही पाओगे। चलो जी भाई, तो आ जाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। अंदर आने से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पे शो आउट कर देता हूँ, बलिनो की वेलकम प्लेट या फिर स्कर्फ प्लेट या फिर वेलकम लाइट बोल सकते हो, यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, जिसमें एक्रेलिक का पार्ट आपको देने मिलता है, एक्रेलिक की सीट होती है, उसके अंदर आपको ब्लू कलर की जो लाइटिंग है वो देने मिलती है। इसके अंदर एक और पार्ट आता है, एक ब्लू आता है, एक व्हाइट आता है, आपको जो पसंद हो अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा सकते हो। बाकी जो व्हाइट कलर की गाड़ी है ना, उसमें ब्लू कलर का टोन कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहता है। साथ ही साथ बलिनो के अंदर कहीं ना कहीं एक ब्लू कलर का ही एलिमेंट है, जो थीम है वो ब्लू कलर का ही आता है, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइटिंग है बहुत अच्छा रहता है, और नाइट में जो इसका एक रिफ्लेक्शन है, इल्यूमिनेशन है ना, बहुत आपको अमेजिंग देखने को मिलेगा। कुछ सेटअप आते हैं अपने डोर पे आप क्या क्या काम करा सकते हो। तो सबसे पहला सेटअप आता है, यहाँ पे आप रैप करा सकते हो, लेदर रैप जो होता है, अभी ये बीएमडी वाला कपड़ा है, जैसा कि आपको अनुज भाई ने, किशन भाई ने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है, ये बीएमडी वाला कपड़ा होता है, जब भी आप इस पे अपना हाथ रखोगे ना तो आपको जैसा लगेगा कि जलन जैसा हो रहा है, फिर रैशेज जैसा लगेगा, तो यहाँ पे आप सॉफ्ट टच मटेरियल में इसको रैप करा सकते हो। साथ ही साथ ये अपना स्टाइलिंग किट का एक सेटअप आता है, वो भी आप लगवा सकते हैं। यहाँ पे भैया ने इसके अंदर साइड मिरर इंस्टॉल कराया है, जिसका स्विच आप यहाँ पे प्रॉपर देख पाओगे। ये पार्ट आता है अपना हैंडल लीवर का, आप हैंडल लीवर भी चेंज करा सकते हैं। इसके अंदर सिस्टम लगाया है ब्लूपॉइंट का, बिल्कुल बेसिक सिस्टम है, ठीक है, जो स्पीकर सिस्टम है वो बिल्कुल बेसिक है, दोनों ही अपने कोएक्सियल स्पीकर यहाँ पे इंस्टॉल किए गए, फ्रंट में भी और रियर में भी, जिस वजह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोई भी ट्विटर शेज का जो पार्ट है वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया गया है। जनरली आप लोग देखते हो जब हम लोग कंपोनेंट लगाते हैं तो यहाँ पे ट्विटर शेज जो है वो भी कहीं ना कहीं इंस्टॉल किया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी सेटअप इंस्टॉल नहीं किया गया। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर से जानते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है, देन मिलते हैं ओनर से। ऑलराइट, तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर, यानी कि बलिनो के अंदर। ये बेस मॉडल था, बिल्कुल ही बेस मॉडल, जो कि कहीं सिग्मा वेरिएंट के नाम से आता है। अब इसके अंदर मैंने आपको डोर ट्रिम से बताया क्या क्या चीजें इंस्टॉल करा सकते हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। एक्सटीरियर से आप ऑलरेडी देख चुके हैं, बात कर लेते हैं इंटीरियर की और कुछ सेटअप के ऊपर जो कि इसके अंदर इंस्टॉल किया गया। सबसे पहला पार्ट अगर आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि अपने स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल का। अब स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल के सेटअप में ये ओरिजिनल का सेटअप है जो कि यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, बट ये यूज्ड पीस होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना बहुत गौर से, तो आपको हल्का सा स्क्रैच दिखेगा, क्योंकि ये यूज्ड होता है, तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे से स्क्रैचेस कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही है। बट अगर आप इसमें एक ओरिजिनल का सेटअप आता है, अगर वो इंस्टॉल कराते हैं, जैसा कि टॉप मॉडल पूरा स्टीयरिंग व्हील आता है, तो उसके अंदर आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको सिल्वर कलर के एसेंस मिलते हैं, ऊपर की तरफ स्टीयरिंग रैप ऑलरेडी उसके अंदर आता है। उसके बाद बात कर लेते और कुछ मॉडिफिकेशन के ऊपर, तो 9 इंच का जो अपना डेप्थ का एंड्रॉइड है इंस्टॉल जो है वो कर दिया गया है। 2GB 16GB इसकी प्रोफाइल है, काफी अच्छा है, काफी अच्छा हेड यूनिट है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, और कहीं ना कहीं 90% गाड़ियों के अंदर ये जो हेड यूनिट है अपना जाता है, जिस वजह से इसकी एक रिलायबिलिटी जो है वो अपने आप में बहुत अच्छी बन के निकली है। रास्ते जीरो कंप्लेन है इस चीज की। यहाँ पे ग्लॉसी फ्रेम का एक पार्ट आता है, वो भी इंस्टॉल कर दिया गया। आपको कैसा इंस्टॉल कराना है ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। नीचे इधर बात करो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एसी वेंट का सेटअप आता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे क्रोम के एलिमेंट देखने मिलते हैं, आप वो भी लगवा सकते हैं। भैया ने यहाँ पे इसको इंस्टॉल नहीं कराया, ठीक है। गियर नॉब आता है, आप ये भी लगवा सकते हो, यहाँ पे ये भी इंस्टॉल नहीं किया गया। अब बात कर लेते हैं मेन पार्ट पे, जो कि है अपने आर्मरेस्ट। इसके अंदर बेशक इंस्टॉल किया गया है, मैं आपको यहाँ पे शो आउट कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आर्मरेस्ट भी अपना यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है विद रियर एसी एक्टिवेशन, यानी कि यहाँ से पूरी इसकी हाउसिंग निकल करके यहाँ पे आई है और रियर में जो अपना एसी का पार्ट है वो एक्टिवेट हुआ है, मैं आपको यहाँ पे शो आउट कर देता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे, इसके अंदर आपको फ्लो नजर आएगा, एक हवा का जो थ्रो होता है ना वो आपको यहाँ पे सुनाई देगा, विंड नॉइज कहीं ना कहीं आपको देखने मिलता है। तो इसके अंदर बेसिकली अपने जैसा कि पीछे की तरफ देखा ना, इसके अंदर अपना जो रियर एसी वेंट है उसको भी एक्टिवेट किया गया, यानी कि प्रॉपर यहाँ से उसकी हाउसिंग निकलती है और तब जाकर के यहाँ पे उसकी इंस्टॉलेशन की गई है। बाकी आप लोग बताना कि ये चीज आपको कितनी सही लगती है। रियर में जो भाई लोग बैठते हैं ना बलिनो के अंदर, बहुत कंप्लेन आई है, बहुत कंप्लेन मैंने भी देखी है कि रियर में गाड़ी ठंडी नहीं कर रही, कूल नहीं कर रही, उस वजह से यहाँ पे रियर में एसी जो वेंट है वो भी एक्टिवेट कर दिया गया। उसके बाद एक सेटअप यहाँ पे और इंस्टॉल किया गया जो कि अपना आर्मरेस्ट का, तो आर्मरेस्ट यहाँ पे
पे MGP का ओरिजिनल है। अगर ये MGP का ओरिजिनल नहीं लगेगा तो आपका AC भी चालू नहीं होगा। तो ये सेटअप यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया। उसके बाद बात करें लास्ट प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें सीट कवर भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। कहीं ना कहीं ये आपको ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलेंगे। सेंटर में अपने जो है ब्लू कलर का थीम रखा गया, उसके ऊपर से यहाँ पे ब्लैक कलर का टोन देखोगे तो काफी अच्छा और सिमिलर सा टोन इसका रखा गया, जिसमें की लुक और फील अपने आप में बहुत अमेजिंग निकल करके आए। बाकी एक फील जो है गाड़ी में, एक इंटीरियर का जो प्रोफाइल यहाँ पे रेडी किया गया ना, वो अपने आप में बहुत अमेजिंग है। अब ये पार्ट आपको कितना सही लगा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बता देना। ये सेटअप भी अपने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया, साथ ही साथ जो मैट आते हैं ना वो भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया। तो ये सारी चीजें गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होने के बाद जो एक लुक एंड फील, एक टच एंड फील जो गाड़ी के अंदर बन के निकला है, वो अपने आप में बहुत अमेजिंग है। अब चलते बार ऑनर के पास और जानते हैं सड़कों के सारा काम कैसा लगा, वो कितने सेटिस्फाइड है एंड 10 out of कितनी रेटिंग देना चाहते हैं। ऑलराइट, तो भाई फाइनली अपनी जो बलिनो है सिग्मा वेरिएंट, जैसे कि आपको किशन भाई ने काफी सारी चीजें पहले ही बताई और अपनी पूरी वीडियो भी देख ली, जितना भी काम इसके अंदर था सारा ही काम ऑसम तरीके से हुआ है, सारा काम जेन्युइन तरीके से किया गया। किशन भाई हमारे साथ है ही और अपने साथ प्राउड ऑनर्स भी जुड़ चुके हैं। सर से रिक्वेस्ट, अपना नाम बता दीजिए सर। नरेंद्र जी। सर अपना नाम? जितेंद्र जी। सर कहाँ से आए थे आप? कुरुक्षेत्र। कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने? 70 किलोमीटर। 170 वन भी है? ओके, यानी कि 340 किलोमीटर समथिंग आपने जो ट्रेवल किया है। तो इतना दूर आना लग रहा है कि हाँ जो वर्थ है, बिल्कुल लग रहा है। मतलब सर ने, मैंने देखा है कि बहुत सारा काम करा, इंटीरियर में काफी सारा काम करा, AC तक आपने चालू करा है। ओके, ठीक है ठीक है। तो लग रहा है कि इतने दिन से कॉन्टेक्ट में रहना, फिर आना, फिर पूरा टाइम काम कराना, सारा सही है। ठीक है ठीक है। और जो आपने सीट कवर लगवाया, आपने बनवा के लगवाया या फिर बने हुए थे यहाँ पे? बना के लगाए आपने, अपने हिसाब से कस्टमाइज कराया उसको? दूसरी गाड़ी में सेम सीट कवर थे। ठीक है, वो एक साइड एक बार में रेड होता है, तो सर को भी वही पसंद आ गया था, इसलिए प्रॉपर वही डिजाइन, हाँ, वही कॉम्बिनेशन पूरा बन के लगा। और वो एयर बैग वाले सीट कवर थे जो इसमें लगे हैं, पूरा अपना एयर बैग का पूरा पैटर्न लेके उसमें लगाया। ऑलराइट, उसी से ही पूरा स्टीयरिंग रैप हुआ है जो पूरा मैचिंग करके पूरा लग गया है, डबल टोन में जैसे टॉप मॉडल में। आपको बिल्कुल सही बात है, कैसे लग रहे हैं सर? स्पेशली बता दें, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, यही रीजन है, यही वजह है कि जो सर ने मांगा है वो चीज हम दे पाए। हम तो टाइम बहुत कह रहे थे 10-11 बजे रात के, लेकिन हमारे को नहीं, आपने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही स्पीड में अच्छा तरीके से काम किया है। आज संडे का दिन है, फिर भी सर लगभग 12-1 बजे आ गए थे और अभी 4-5 बज रहे, लगभग वही जो कहते हैं 4-5 घंटे का काम वो टोटल है। ठीक है, और स्पेशली सीट कवर बन के लगे हैं, उसके बाद काम वैसे 2.5-3 घंटे में हो गया था, क्योंकि हम खुद कोशिश कर रहे हैं जैसे आप आओ वैसे जल्दी से जल्दी आपको कर दे। AC भी इंस्टॉल हुआ है, जिसके लिए सारी गाड़ी पूरी खोलनी पड़ती है, गाड़ी वायर वगैरह सब निकलता है, जिससे कोई कभी फ्यूचर में दिक्कत ना आए, सेम टाइम पे दिक्कत ना आए, फिर भी कोशिश किया हमने जल्दी से जल्दी करने का, वो चीज कम्प्लीट भी है। ठीक है, बाकी भैया टोटल कॉस्टिंग कितनी आई है वो बताइए? 75,000 के आसपास सर ने जाना है। 75,000 रुपये जो टोटल कॉस्टिंग है। ठीक है, रीजन ये बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इसी हिसाब से इतना ही काम कराना होगा, इसके आसपास काम कराना होगा, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ना कोई चीटिंग है, ना कोई बीच में है, पूरा ही टॉप हो गया। यहाँ तक जो जो एक टेक्निकल होता है AC वाला काम, वो भी हो गया, स्टीयरिंग कंट्रोल का सारा, यानी कि ये फ्रंट ग्रिल देखो एक छोटा सा पार्ट है, इसी से ना गाड़ी में पूरा लुक बहुत अच्छा चेंज हो जाता है। सही बात है। देखिए, दो चीज होती है, एक तो पैसा खर्च करते हो जो आप चाहते हो वो मिलता भी और नहीं भी मिलता है, यहाँ पे पैसा भी उतना ही खर्च कर रहे हो जो आप चाह रहे हो वो मिल सके, सही बात, वो चीज आपको यहाँ पे रिकमेंड होती है, वो चीज आपको मिलता है, तो इसीलिए लोग इतनी दूर से आते भी हैं और आते भी रहेंगे अगर ये चीज हम देते। सही बात है, यही रिक्वेस्ट है आपको भी, अगर आपको भी कोई सा भी काम कराना देखो पता कर लो, यही नहीं कह रहा आ जाओ मेरे से ही काम कराओ, एक बार पता कर लो, जान लो, अगर कॉल नहीं मिलता तो रात को 8-9 बजे की बात कर लो, उसके बाद आपको डायरेक्ट बात हो जाएगी और कंप्लीट सारा काम आपका गाड़ी में काम कराना, तो आप इजली आकर के अपना सारा काम करा सकते हैं। बाकी सर, आप जो गाड़ी लेकर के आए थे, अब जो लेकर के जा रहे हैं, लग रहा है कि पूरी गाड़ी चेंज हो गई है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से सारा काम हो चुका है। बाकी फाइनली सेटिस्फाइड है? 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहते हैं? 10/10 है सर, ये बहुत बड़ी बात है, मन से है ना, ऐसा तो नहीं नंबर दिखाने के लिए। क्या बात है, जो मर्जी लो, सोनेट लो, सिग्मा लो, जो मर्जी लो, ठीक है। ओके, ये
ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक ऑनर जो है महीने भर से वीडियोस देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं की वीडियो देखी होगी, आपने बहुत सारी वीडियोस और भी देखी होगी। क्या बात है, क्या बात। यूट्यूब पे बैक एसी की डाली, जब मैं पहली उसी टाइम मैंने नंबर सेव कर लिया भैया का, गाड़ी वहीं जाएगी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। बाकी भाई आप लोग फाइनली कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो गाड़ी है आपको कितनी सही लगी है और जो काम है वो कितना सही लगा। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में काम कराना हो तो आप इजीली आ सकते हैं भैया। चलिए आप आ सकते हैं, अपना सारा काम करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।